नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका। मैं आपको हर बार एक ही बात बोलती हूँ कि जो नारी शक्ति होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है और हर क्षेत्र में अभी आगे है और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो उभर कर आ रही है, सामने आ रही है और एक अपना पहचान बना रही है। मैं आपको बताऊँ कि बोकारो में ऐसी कई लड़कियों से हमने आपकी मुलाकात कराई है जो कि एक नए पहचान के साथ आई है उभर कर, एक नए चीज़ में, एक नए स्पोर्ट्स में, किसी नए इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है स्वर्या, जो कि मिस्टर एंड मिस इंडिया स्टार 2022 मॉडलिंग कंपटीशन था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये सेकंड रनर अप आई है। मैं आपको बताऊं, एक वापस से बोकारो, पूरे बोकारो के लिए गर्व की बात है और नारी शक्ति है तो मैं तो कहती ही हूँ कि नारी शक्ति जब अव्वल आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे पहले अपनी खुशी की इजहार करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आज ये मौका मिल रहा है कि मैं अपनी थोड़ी सी छोटी सी अचीवमेंट के थ्रू बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ, एक मैसेज दे पा रही हूँ। एंड मेरा जो शो रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। 3 दिनों का शो था, 8, 9, and 10 मार्च। जिसमें 2 दिन हमारा ट्रेनिंग सेशन था, उसके दौरान टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड एंड क्वेश्चन आंसर राउंड भी हुए। एंड 10th को हमारा फाइनल्स था जहाँ पे मैंने सेकंड रनर अप का किताब हासिल किया। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं अभी डी फोकस के माध्यम से बाकी लड़कियों को, जिन्हें इच्छा है कि वो आगे करें मगर थोड़ी सी हमारी बैकवर्ड मेंटालिटी की वजह से सोसाइटी की वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि हम लोग आगे कैसे बढ़े, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो मैं उनको बस ये एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी इस छोटी सी अचीवमेंट के थ्रू कि अगर आप डिटरमिंड हो देन नथिंग कैन स्टॉप यू। अच्छा, कैसे सपोर्ट रहा फैमिली से और स्कूल से, क्योंकि आप अभी 18 साल की हैं और आप पढ़ाई कर रही हैं, कैसा सपोर्ट रहा? बिल्कुल, सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बाहर दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फैमिली का और फ्रेंड्स का सपोर्ट, जो लोग आपके लाइफ में मैटर करते हैं उनका सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरी फैमिली हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती आई है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं सारे लोग, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, तो वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे हमेशा मेरी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया है कि नहीं, तुम करो, तुम कर सकती हो, हमें पूरा यकीन है तुम जाओगी, तुम जीत कर आओगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार, जीतना हारना बहुत बड़ी बात नहीं है, जाना, परफॉर्म करना एंड साथ ही साथ जेन्युइन लोगों का सपोर्ट होना तो वो बड़ी बात है। तो मुझे फ्रेंड्स, फैमिली और स्कूल की बात, तो स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आई थिंक जो भी मैं अभी भी बोल पा रही हूँ, तो ये सारा कॉन्फिडेंस मुझे मेरे स्कूल से ही मिला है। एंड स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, इवन नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर हूँ। अच्छा, आपका ये मॉडलिंग करने का सपना क्या बचपन नहीं, बचपन का तो नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट। मैंने 2019 में मम्मी के हेल्प से फेस ऑफ बोकारो में पार्टिसिपेट किया एंड इट वाज 2019 जब मैंने मतलब ये डिस्कवर किया कि मैं ये भी कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ क्वाइट अ डिफरेंट फील्ड जो सभी लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि करें, बट मुझे फिर जब पता चला कि आई हैव दिस टैलेंट, आई कैन परफॉर्म वेल, तो मैंने बोला कि नहीं, अब ये भी करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करना है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर लोग सोच रहे हैं कि फैशन के फील्ड में आ गई है तो अब पढ़ाई नहीं करेगी या पढ़ाई हो नहीं सकती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है, यू हैव टू बैलेंस थिंग्स। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अब मॉडलिंग भी परस्यू कर रही हूँ। तो आपने कहा कि पढ़ाई भी कर रही हैं, आप मॉडलिंग भी कर रही हैं, तो जब पढ़ाई कर रही हैं तो उसमें किस चीज़ में रुचि है आपको? मैं मेडिकल में ही पढ़ाई करूँगी, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट। बट ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल में जाने के लिए आप सिर्फ नीट ही क्रैक करो, देर आर अ लॉट मोर चांसेस, तो मैं अभी मेडिकल में ही आगे जाना चाहती हूँ। कैसा सफ़र रहा 2019 में? आपने बोला कि आपको लगा कि आप मॉडलिंग कर सकती हैं और अब आप हरियाणा गई हैं, गुरुग्राम गई हैं और वहाँ पर सेकंड रनर अप बन के आई है नेशनल लेवल पर, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि सेकेंड रनर अप है तो खुशी कम है, मुझे उतनी ही इक्वली खुशी हो रही है बिकॉज जो फर्स्ट विनर है वो भी मेरी फ्रेंड ही है, इट फील्स लाइक फैमिली। हम लोगों ने 2 दिन बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग बॉन्ड बना ली थी, तो बहुत बराबर की खुशी हो रही है। वो फर्स्ट है एंड आई एम सेकेंड रनर अप एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आई तो मेरी ये फ्रेंड है वैष्णवी, उनके पापा हैं, तो वो लोग, उन्होंने कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं आपको रिसीव करने, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है जब आपकी किसी अचीवमेंट पे बाकी सारे लोग, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, वो अगर आपकी खुशी में शामिल हो रहे हैं तो वो लगता है कि यार, दिस इज़ वॉट आई हैव अचीव्ड। और मैं जानना चाहती थी सफ़र कैसा रहा, क्या क्या किन किन लेवल से आप गुजरी और पहुँची हरियाणा?
सफ़र तो अच्छा ही था। प्रॉब्लम्स लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी के आते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है कि वो मैं मतलब डिस्कस करूं, बट यस प्रॉब्लम सबके साथ है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी सबको कि कभी भी अपनी किसी भी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम की वजह से हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपके इवन अगर आपको घर से भी लग रहा है कि नहीं लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, बट आपको खुद पर भरोसा नहीं खोना है। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड देन आप सब कुछ कर सकते हो। आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसे कई जो लड़की हैं वो आगे आना चाहती है, युवा है जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ रीजन से वो पीछे हट जाते हैं, उन्हें डर सताता है कि शायद मैं ये ना कर पाऊँ या फिर मुझे सपोर्ट ना मिले, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग फेज किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग का फेज वो बहुत टफ होता है, बट एक बार अगर आप किसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं देन जो लोग आप को देखने से मुकरते हैं वो भी आपके साथ अपने रिश्ते जोड़ने लगते हैं कि ये मेरी ये है, मेरा वो है, मैं इनकी ये हूँ। बट उस मुकाम तक आपको पहुँचना है बस एक बार, एंड देन फिर आप मतलब जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कभी कि वो लोग आपको इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे, वो भी फिर आपके साथ अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। तो बस आपको उस मुकाम तक पहुँचना है, हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे साथ स्वर्या जी के दादाजी भी मौजूद हैं, हमें बताएं कि कैसी खुशी मिल रही है बेटी सेकंड रनर अप बन गई। खुशी की बात है, उसको उतना सपोर्ट भी नहीं मिल पाया, अपने बल पर की है, पेरेंट्स का सपोर्ट था, लोग कहते रह गया फिर भी सब कुछ करती थी अपने मन से। हम लोग तो इसको इतना ध्यान नहीं देते थे, क्या है नहीं है जानकारी कुछ नहीं थी, अपने बदौलत किया है। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का मैं अभी स्टडीज भी कंटिन्यू करूंगी, एंड ऑफ कोर्स मैं मॉडलिंग अब छोड़ने वाली तो नहीं हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि लोग अगर आपको किसी चीज़ से देखकर जेलस फील कर रहे हैं या लोग नहीं चाहते कि आप ये चीज़ करो, तो मेरा मानना है कि आपको वो चीज़ डेफिनेटली करनी चाहिए, एंड आपको उसमें सक्सेसफुल होना है एंड अच्छे तरीके से होना है, एंड देन उनको आपका काम जवाब देता है। अच्छा, आप जाती हैं हरियाणा या अलग अलग जगहों पर इवेंट करने, तो फिर पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते हैं? वो मतलब खुद के ऊपर है, आपको हर चीज़ के लिए टाइम निकालना है लाइफ में, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं खुद का एग्जांपल लूँगी, अगर मैंने अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं की होती तो मैं आज जो भी बोल पा रही हूँ तो वो कॉन्फिडेंस शायद मुझ में नहीं होता। तो कि 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखें? मैं ऐसे प्लान नहीं करती कि मैं 10 साल बाद, या इवन मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मैं अपने आप को कल कहाँ देख रही हूँ या कल क्या चाहती हूँ। मुझे आज में जीना पसंद है। मैं बस कोशिश करती हूँ कि मैं आज जो हूँ आज के दिन को मैं अच्छे से जीऊँ, खुश रहूँ, खुशियाँ बांटूँ। मुझे सिंपल रहना पसंद है एंड लोगों को खुश रखना है, खुद खुश रहना पसंद है। आपने सुना, ये थी स्वर्या, और इनके दादाजी से भी हमने बात की किस तरह से फैमिली के सपोर्ट से और हर चीज़ों को मैनेज करके ये आगे बढ़ी हैं और पूरे बुकारो का नाम रोशन किया इन्होंने। ये पूरे नेशनल लेवल पर सेकंड रनर अप रही है, और ये छोटी बात नहीं है कि बुकारो शहर, इतने छोटे शहर से एक लड़की जाती है और नेशनल लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर वो सेकंड रनर अप आती है। और फिर आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर कितनी खुशी दिख रही है, उनके दादाजी के चेहरे पर कितनी खुशी दिख रही है, और यही बताता है कि जब भी नारी शक्ति आगे आती है, एक और बार मैं बोलूंगी, जब भी नारी शक्ति आगे आती है तो सबको बता देती है कि किसी से वो कम नहीं है। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।